दोस्तों आप सब जानते हैं कि मैंने 2020 में यामाहा एफजी V3 BS6 परचेज की थी, जिसकी तैयारी मैं सितंबर 2019 से ही कर रहा था। 2019 में जब मैं बाइक परचेज करने की तैयारी कर रहा था, कई सारी और भी बाइक्स को टारगेट किया था, जिसमें से मेरे फ्रेंड ने मुझे हिमालयन भी सजेस्ट की थी, बट मुझे हिमालयन और रॉयल एनफील्ड की ट्रू वैल्यू उस जमाने में पता ही नहीं थी, तो मैंने हिमालयन को उसी वक्त रिजेक्ट कर लिया था। अब मैं अपनी अगली बाइक की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है 150cc की नेकेड स्पोर्ट्स बाइक में, और उसके पावर का भी अच्छा खासा राइडिंग फन मैंने देख लिया। स्टेबिलिटी और सेफ्टी सिस्टम भी उसके मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिए। इतना ज़्यादा यूज टू होने के बाद और अच्छा खासा कॉन्फिडेंस गेन कर लेने के बाद में यामाहा एफजी V3 के साथ इस साल में कई सारे टूरिंग वीडियोस वगैरह भी बनाने वाला हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी अगली बाइक की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दूँ, ताकि मुझे उसके प्राइस का अंदाज़ा भी हो जाए, सिलेक्शन करने में भी आसानी हो, और आने वाले 5-6 महीनों में जब मैं अपनी बाइक परचेस करने के लिए रेडी रहूँ, तब मेरे पास सफिशियंट फंड्स भी हों और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोन अमाउंट लेना भी ना पड़े। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी तैयारी किस तरह से कर रहा हूँ और कौन कौन सी बाइक्स को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। टोटल 11 बाइक्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ताकि आपको भी पता चले कि क्या फैक्टर्स होते हैं बाइक परचेस करने के टाइम पे सिलेक्शंस के लिए, और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं किसी बाइक को रिजेक्ट करने के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बाइक मेरी लिस्ट में है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन ग्रेनाइट ब्लैक वाली, जो कि BS6 में बहुत खूबसूरत लग रही है, और उसका रीसेंट में जो नए कलर्स आए हैं वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इस बाइक को कंसिडर करने की सबसे बड़ी वजह थी इसका 411cc का रिलायबल एंड टॉर्की इंजन, और इस गाड़ी की प्राइस भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन मैं आपको इस गाड़ी के बारे में और डिटेल्स बताने के पहले आगे और भी बाइक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे बाइक्स तो मार्केट में बहुत सारी है, 150cc से अपग्रेड करना हो अगर किसी को और पावर अच्छी फील करना हो, तो 200cc 250cc 300cc 350cc और 400cc ये बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि ये बाइक बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली हो या ना हो, 150cc से अपग्रेड करने वाले इंसान इन गाड़ियों को आराम से हैंडल कर सकता है। हिमालयन ब्लैक के अलावा मेरी जो चॉइस है वो है ड्यूक 250, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगने वाली, खूबसूरत लगने वाली, काफ़ी मस्कुलर एंड बल्की टाइप की बाइक लगती है वो, और पावर आउटपुट भी उसका बेहतरीन है, लेकिन कॉस्ट उसकी ज़रा ज़्यादा है, फिर भी मैंने उसको उस वक्त कंसिडर कर लिया है। अगली बाइक मेरे कंसिडरेशन में है 390 एडवेंचर टूरर, जो कि KTM की एक और बाइक है। मैं 390 में ड्यूक नहीं कंसिडर करना चाहता था, क्योंकि 390 तक प्राइस में जाऊँ, उस सेगमेंट में मैं जाऊँ, तो मुझे उसमें थोड़ी और प्रैक्टिकलिटी और ज़्यादा यूजफुल फीचर्स चाहिए, जैसे कि ऑफ रोड ABS एंड ऑफ रोडिंग लेवल के सस्पेंशन, टायर्स एंड ग्राउंड क्लियरेंस, तो डेफिनेटली 390 एडवेंचर टूरर इज अ बेटर चॉइस देयर। अगली बाइक मेरे कंसिडरेशन में है होंडा CB350 RS वेरियंट, जो कि नया वेरियंट आया हुआ है। हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट है इस बाइक को परचेस करना, क्योंकि नागपुर में तो अभी तक के फर्स्ट जन CB350 भी अभी हमें देखने के लिए नहीं मिली है। अगली बाइक मेरे कंसिडरेशन में है, जिसके काफ़ी ज़्यादा सजेशंस मुझे आए और मुझे भी ये बाइक काफ़ी पसंद है, वो है रॉयल एनफील्ड की मिटियोर 350 सुपरनोवा वेरियंट। ये बाइक के साथ में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ सकता है, ऐसा मेरा अंदाज़ा है, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया हुआ है। अगली बाइक जो कई सालों से मेरे लिस्ट में थी वो है बजाज डोमिनार 400, जिसको ट्रायम्फ में डिज़ाइन करने में हेल्प भी किया है बजाज को। इंजन इसका वही है जो KTM की बाइक्स में लगा हुआ है, लेकिन ट्यूनिंग के हिसाब से इसमें पावर आउटपुट थोड़ी सी कम होती है KTM ड्यूक 390 और एडवेंचर 390 से। और बाइक जो मेरे कंसिडरेशन में है उसमें है जिक्सर 250 एंड जिक्सर SF 250। इन दोनों बाइक के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस काफ़ी हद तक सेम है, डिफरेंस अगर कुछ है तो वो है लुक्स का। मुझे स्पोर्टी लुक्स बहुत अच्छे लगते हैं जिक्सर SF 250 के, लेकिन जिक्सर 250 जो है वो थोड़ी ज़्यादा लाइट भी है और एक नेकेड स्पोर्ट बाइक है, तो उसकी हैंडलिंग बहुत ज़बरदस्त है, तो दोनों में भी मुझे सोचना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने कुछ और बाइक्स को भी कंसिडर किया था, जिनके बारे में सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट लिस्ट में शामिल है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक है FZ 250cc और एक है RTR 200 4V, उसके अलावा एक है यामाहा R3 ट्विन सिलेंडर वाली, यानी कि 321cc वाली ट्विन सिलेंडर स्पोर्ट्स बाइक। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उस बाइक को पाना और परचेस करना, क्योंकि सेगमेंट की सबसे एक्सपेंसिव बाइक्स में से एक है वो बाइक। अब देखते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड प्राइसिंग की, किस तरह से सारे की सारी बाइक्स की प्राइसिंग्स और बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मैंने कंपेयर किए, और कैसे मैं इनका सिलेक्शन और रिजेक्शंस डिसाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले प्राइसिंग अगर आपको स्क्रीन पर दिखाऊं, तो सबसे महंगी बाइक होने की वजह से ड्यूक 250 और 390 एडवेंचर टूरर अफोर्डेबिलिटी से थोड़ी दूर चली जाती है, और अगर मैं किसी वजह से इन दोनों बाइक्स को परचेस करने का प्लान करूँगी, तो मुझे लगता है मुझे और ज़्यादा वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा इन्हें परचेस करने के लिए और फंड्स अरेंज कर पाने के लिए।
बाकी सभी बाइक्स 2 लाख से सवा 2 लाख या 2.5 लाख रुपए तक आ जाने वाली है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात अगर करें तो सबसे बड़ा इंजन 411 सीसी का है हिमालयन ब्लैक में, हालांकि 250 सीसी वाली FZ25 और 200 सीसी वाली RTR 204 भी इस लिस्ट से यही बाहर हो जाने वाले हैं, क्योंकि पावर आउटपुट, टॉर्क, ये सब कुछ इन गाड़ियों के बहुत कम है और मुझे बिल्कुल सेंस नहीं लगता कि 150 सीसी की अच्छी खासी पावर वाली FZ150 चलाने के बाद में सिर्फ FZ250 या RTR 200 में मैं ज्यादा पावर फील कर पाऊंगा। मुझे लगता है थोड़ा और ज्यादा पावर आउटपुट वाली मुझे बाइक की जरूरत पड़ेगी ताकि मुझे भी फील हो कि मैंने अपग्रेड किया है और राइडिंग फन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इम्प्रेसिव होना चाहिए जब मैं अपनी अगली बाइक परचेस करूंगा इतने सारे पैसे खर्च करके। कूलिंग टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इतने बड़े सीसी के इंजन होने के बावजूद ये सारी बाइक्स में से कुछ बाइक्स हैं जो सिर्फ एयर कूलिंग ऑफर करती हैं, जैसे कि हिमालयन, होंडा CB350 और FZ25। एयर कूलिंग जैसी टेक्नोलॉजी छोटी सीसी की यानी 150 सीसी तक की बाइक्स में समझ में आती है, बट जब हम बात करते हैं 250 सीसी, 300 सीसी या 400 सीसी की बाइक्स की तो डेफिनेटली वहां पर लिक्विड कूलिंग या एयर कूलिंग प्लस ऑयल कूलिंग होगी, तो हमें ज्यादा कन्वीनियंस मिलेगा और डिफिकल्टी कम से कम होगी। गियर बॉक्स की बात करें तो कुछ बाइक्स में सिर्फ 5 गियर्स हैं, कुछ बाइक्स में 6 गियर्स अवेलेबल है। हालांकि नंबर ऑफ गियर्स मेरा सिलेक्शन फैक्टर रहने वाला नहीं है, क्योंकि गियर रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर किसी गाड़ी में अच्छे गियर रेशियोज दिए हैं और टॉर्क मैपिंग बहुत अच्छे से डिजाइन की गई है तो डेफिनेटली उसका राइडिंग फन भी अच्छा रहेगा और वो अपने पर्पज को अच्छे से रिजॉल्व कर पाएगी। जैसे कि हिमालयन, उसमें 5 गियर्स हैं पर टॉर्क उस गाड़ी में बहुत ज्यादा है, तो 5 गियर में आपको अच्छा खासा टॉर्क मिलता है और आप उसको किसी भी चढ़ाई वाले इलाके में भी राइडिंग करते वक्त एंजॉय कर सकते हो, इवन अगर आपके साथ में एक पिलियन भी हो तो। अब फ्रंट टायर और रियर टायर की विड्थ देखें तो सबसे पतले टायर आपको मिलते हैं हिमालयन में, जो कि एक अच्छी बात नहीं है मेरे यूजेज के हिसाब से, क्योंकि मुझे ऑफ रोडिंग कम करनी है, टूरिंग ज़्यादा करनी है और सिटी राइडिंग को भी इंजॉय करना है, आसपास में भी मैं घूम रहा हो सकता हूँ इस बाइक को लेकर के। ऑल्दो मैं यामाहा एफजी जितनी कम्यूटिंग तो इस बाइक से करने का प्लान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली अगर मैं टूरिंग करता हूँ, हाईवे पे स्टेबिलिटी भी चाहता हूँ, हाई स्पीड भी स्टेबिलिटी चाहता हूँ, तो मेरे लिए हिमालयन के पतले टायर से कंसर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो RTR 200 में भी सिर्फ 90mm के फ्रंट टायर्स हैं जो अगेन स्टेबिलिटी इंश्योर नहीं कर पाएंगे, जैसे कि इस लिस्ट की बाकी बाइक्स इंश्योर कर सकती हैं। ड्यूल चैनल ABS तो सभी गाड़ियों में कॉमन है। फ्यूल टैंक अगर देखा जाए तो सबसे छोटा फ्यूल टैंक आपको मिलता है RTR में। इसके अलावा ब्रेक डिस्क डायमीटर, जैसे कि मैंने एक साल पहले वाले वीडियो में बताया था जब मैंने यामाहा FZ को अपाचे RTR 164V से कंपेयर किया था और 23 रीजंस बताए थे उसको परचेस करने के पीछे, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने वहां कंसीडर किए थे यहां भी वही कंसीडर कर रहा हूं। उनमें से एक पॉइंट है ब्रेक डिस्क की डायमीटर, जो कि काफ़ी कम है फ्रंट वाले में RTR 200 के और रियर वाले में बहुत कम है वो FZ25 के। बाकी सभी बाइक्स में डिसेंट साइज की ब्रेक डिस्क डायमीटर दी हुई है, विच इज़ अ ग्रेट फैक्टर फॉर अप्लाइंग सफिशिएंट ब्रेक फोर्स ऑन डिमांड। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो पहले ये वाला फैक्टर इतना मैटर नहीं करता था अगर मैं नॉर्मल सिटी रोड्स पर गाड़ी चलाने वाला हूँ, तो FZ150 की 165mm ग्राउंड क्लियरेंस से मैंने एडजस्ट कर लिया। कभी कभी मुझे वो टच होती हुई फील होती है डबल सीट में जब मैं एक्सट्रीम सिचुएशंस में राइड कर रहा होता हूँ, बट नॉर्मल रोड्स में उससे कोई प्रॉब्लम होती नहीं। फिर भी अगर मैं ये जानता हूँ कि ऑफ रोडिंग करने में मुझे उस बाइक में तकलीफ हो सकती है तो फिर अपनी अगली बाइक में भी मैं उस फैक्टर को ध्यान में और अच्छे से रखना चाहता हूँ और ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ मुझे सबसे अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है हिमालयन में, जिसकी वजह से वो गाड़ी इस लिस्ट में है। हालांकि ऑफ रोडिंग मेरा सिर्फ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं, इसलिए सिर्फ इस अकेले फैक्टर की वजह से मैं हिमालयन को नहीं सेलेक्ट कर सकता। दूसरी कई सारी बाइक्स में डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस है बट सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में डोमिनार 400 एक कंसर्निंग बाइक है और इसके अलावा यामाहा R3 और यामाहा FZ25 भी बहुत कम ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर कर रही हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ग्राउंड क्लियरेंस वाला पोर्शन मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा बाइक सेलेक्ट करते वक्त। अब डिस्कस करते हैं सिलेक्शन और रिजेक्शन के फैक्टर्स को। तो सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि इन सभी 11 बाइक्स में मैंने सबसे पहले रिजेक्ट कर दिया FZ25 और RTR 204V को, क्योंकि बहुत ही कम पावर है और अपग्रेडेशन में सेंस नहीं बना रही है दोनों बाइक्स। हालांकि अगर बात की जाए KTM Duke 250 और KTM Adventure 390 Tourer की तो बहुत अच्छा पावर वो दोनों गाड़ियाँ ऑफर करती हैं, हालांकि प्राइस उन दोनों गाड़ियों का बहुत ज़्यादा है, ओवर प्राइस कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मेरे को सिर्फ ये लगता है कि प्राइस वो भले ही जस्टिफाई करें बट बजट से बहुत ज़्यादा ऊपर है, उनके लिए इतना ज़्यादा वेट करना मैं नहीं चाहूँगा, तो शायद अब वो मेरी तीसरी बाइक बने ना कि मेरी दूसरी बाइक, तो उन दोनों बाइक्स को मैं पहले रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करके बाइक पावरफुल परचेज नहीं करना चाहता। बाइक में अच्छा पावर आउटपुट मेरा इतना बड़ा सिलेक्शन फैक्टर नहीं, जितना बड़ा सिलेक्शन फैक्टर है पैसा। पैसे सेव करना मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ताकि गाड़ी पे ही वो इन्वेस्ट ना करते हुए मैं उसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकूं जहां से वो मल्टीप्लाई हो सके और मेरा इनकम सोर्स इंप्रूव हो सके। और इस काम के लिए मैं फिलहाल यूज कर रहा हूं एंजल ब्रोकिंग को। मेरा एक बहुत अच्छा करीबी फ्रेंड है जो एंजल ब्रोकिंग सर्विसेज के साथ में फ्री शेयर मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, मुझे उससे काफी ज्यादा हेल्प
हेल्प हो रही है और शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने में और अपने पैसों को बढ़ाने में भी मुझे काफ़ी अच्छी हेल्प हो रही है। तो अगर आप भी चाहते हैं मेरी तरह शेयर मार्केटिंग को फ्री में सीखना, और अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा इनकम जनरेट करने का सबसे अच्छा तरीका आपको सीखने को मिले, तो आप भी फ्री साइन अप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जा करके, एंड आपको मदद मिल जाएगी और अच्छी खासी शेयर मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी मिल जाएगी फॉर नो कॉस्ट एट ऑल। अब बाकी की बाइक्स की तरफ ध्यान दें तो प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हुए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ हिमालयन की। ऑफ रोडिंग स्पेशलिटी इस गाड़ी की है और बहुत लो कॉस्ट में ये गाड़ी अवेलेबल है इतने सारे फीचर्स के साथ। हालांकि कॉन्स की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो सिर्फ ट्यूब वाले टायर्स इसमें मिलते हैं, ट्यूब टायर्स नहीं, अलॉय व्हील्स की जगह इसमें सिर्फ स्पोक वाले व्हील्स मिलते हैं पुराने जमाने के, और इसमें सिर्फ एनालॉग डायल्स वगैरह आपको मिलते हैं। तो काफ़ी हद तक ये गाड़ी थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है। हालांकि रॉयल एनफील्ड के फैंस के लिए ये बात अभी भी अच्छी है क्योंकि उन्हें ओल्ड स्कूल वाली फील पसंद है, तो उनके लिए ये वाली गाड़ी अभी भी अच्छी हो सकती है। इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आप वो गाड़ी आज चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मेरे लिए वो फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं उस गाड़ी को रिजेक्ट करता हूँ। इसके अलावा अगर होंडा सी बी 350 की बात करी जाए तो उसका तो मुझे अभी तक टेस्ट ड्राइव ही नहीं मिला, और दूसरी बात एक होंडा कंपनी की गाड़ी होने के नाते रॉयल एनफील्ड की क्रूजिंग बाइक से उसे कंपेयर मैं तो नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझे लगता है होंडा कंपनी की क्रूज बाइक अभी तक इंडिया में इतनी ज़्यादा सेटल नहीं हुई है, तो सर्विस रिलेटेड इशूज भी हमें कभी ना कभी आ सकते हैं ऐसा मेरा अंदाजा है। तो कम से कम आने वाले 5-7 महीने तक तो मैं सीबी 350 को कंसिडर नहीं करना चाहता, भले ही वो गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी दिखती हो और अभी एक रेयर बाइक है, उसमें फैबुलस कलर्स भी अवेलेबल है। अगली बाइक मीटियोर 350 के बारे में बात करें तो उसकी पावर काफ़ी कम लगती है सेगमेंट के हिसाब से और इन सभी बाइक्स के हिसाब से। हालांकि इसे चलाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, और रॉयल एनफील्ड की बाइक है तो ऑब्वियसली इसकी अपनी एक प्रेस्टीजियस रेपुटेशन भी है, और कंफर्टेबल टूरिंग मुझे इसमें मिल सकती है, सिटी राइडिंग भी इसकी काफ़ी प्रेस्टीजियस मुझे लग सकती है। अगली गाड़ी है बजाज डोमिनार। वैसे बजाज कंपनी की गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा रिलायबल होती है कितनी नहीं इसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वाली जो बजाज डोमिनार है इसे डिज़ाइन करने वाली कंपनी कोई और है, और मस्कुलर लुक्स इसमें दिए गए हैं, बहुत अच्छी ड्राइव क्वालिटी इसकी मानी जाती है, इसका ड्राइव रिव्यू मैं आगे आपको दूंगा भी, और टूरिंग करने के लिए भी एक बहुत अच्छी बाइक साबित हो सकती है। अगली बाइक्स हैं जिक्सर और जिक्सर एसएफ 250। ये दोनों ही गाड़ियाँ लुक्स में तो बहुत अच्छी हैं लेकिन थोड़ी आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज के साथ हैं, लो टैंक स्पेस इनमें अवेलेबल है, फिर भी इन गाड़ियों में ड्राइविंग फन और रिलायबिलिटी के काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, तो इन गाड़ियों को भी मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। एफजी 250 और आरटीआर 200 को तो मैंने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, और सबसे लास्ट में जिस गाड़ी को मैंने रखा था वो है यामाहा YZF R3, यानी कि R15 से बड़े सेगमेंट वाली सेम गाड़ी 321cc के इंजन के साथ में। ये गाड़ी 3.5 लाख रुपए तक हो सकती है ऑन रोड या उससे ज़्यादा भी। जून 2021 तक ये गाड़ी लॉन्च होगी ऐसी उम्मीद थी, पर मुझे चांसेस उसके भी बहुत कम लगते हैं, और संभव अगर वो लॉन्च हो भी जाए तो भी उसकी इतनी हैवी प्राइस की वजह से मैं उसको कंसिडर करना नहीं चाहता, तो मैंने उस गाड़ी को भी रिजेक्ट कर दिया। भले ही उसके बहुत ही अल्टीमेट स्पोर्टी लुक्स हैं, मल्टीप्लेट वाला वेट क्लच भी उसमें है, और पावर तो बहुत ही ज़्यादा है, इनफैक्ट सभी गाड़ियों से सबसे अच्छी पावर आउटपुट वाली गाड़ी यही है इस पूरे कंपैरिजन में। फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक कंक्लूजन दे सकता हूँ कि मैंने 5 गाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, जिनमें है होंडा सी बी 350 RS, मीटियोर सुपरनोवा, डोमिनार 400, जिक्सर 250 एंड जिक्सर SF 250। बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही ज़रा डिफिकल्ट सिचुएशन है ये, आई नो आप लोग भी समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैंने इन गाड़ियों को क्यों चुना, लेकिन धैर्य रखो, जब मैं इनमें से किसी एक गाड़ी को चुन लूँगा तो आपको बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना करके बताऊँगा कि कैसे मैंने इनमें से किसी एक गाड़ी को शॉर्टलिस्ट करके फाइनली परचेस करने का डिसीजन बनाया, और क्या ये गाड़ी सच में अपने प्राइस को जस्टिफाई कर पा रही है या नहीं। मैं कौन सी बाइक परचेस करने वाला हूँ फाइनली वो जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आपको आने वाले मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड राइड सेफ।